और टाइम है तो बैजदा टेम्पल वाली वहाँ भी सोच रहे थे कल चले जाएंगे। या कल कहाँ जाना आपको? कल कहीं नहीं, ऐसे ही है। आप बताइए किधर जाना चाहिए। मैं तो बैजदा टेम्पल और वो देख के वैसे रिटर्न, आज तो आप इधर घूम लीजिए कैसा नहीं, कल टी गार्डन की फैक्ट्री बैजदा टेम्पल होके क्या जाएगा। एक बूथ रुद्रधारी उसमें पानी नहीं है, रुद्रधारी जो है ना जी उसमें पानी बिल्कुल कोई फायदा नहीं जाने का, तो वो पानी नहीं है तो खाली दो दो चार। और एक दूसरा और ट्रैक था पिन्नाथ है? पिन्नाथ वो तो लंबा है, पिन्नाथ महादेव वो कहाँ जा पाओगे, वो है 7 किलोमीटर चढ़ाई है। तो फिर पूरा दिन चाहिए उसके लिए हमें, उसमें जाने के लिए आपको 5-6 घंटे जाने में लग जाएंगे। पूरा दिन चाहिए वो नहीं जाए, वो ज़्यादा हो जाएगा, वो तो जा ही नहीं सकते। थोड़ा वो ह्यूमिडिटी वाला मौसम भी है, है? मौसम भी ह्यूमिडिटी वाला है, ह्यूमिडिटी मौसम वहाँ देखिए, वहाँ जा करके फिर करना है 2 घंटे में जाओगे। थोड़ा सा अगर ठंडा मौसम होता है चल भी जाते हैं। बेसिकली यहाँ के पुराने अंकल जी हैं, उनसे पूछा मैं क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला खाली घूम रहे तो ऊपर चले जाओ, ऊपर आधा किलोमीटर आगे शिव मंदिर है, यहाँ से आधा किलोमीटर जाओ और फिर 70-80 सीढ़ियाँ हैं। तो ये तो सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, यह जा सकते हैं। और कल के लिए बोल रहे हैं कि बैजनाथ टेम्पल चले जाओ, यहाँ से 60 किलोमीटर है, और वापस आते हुए टी एस्टेट से जो कसानी से 5-6 किलोमीटर पहले है वो कर लो। हमारा जो प्लान था रुद्रधारी वाटरफॉल ट्रैक करने का, वो ये कह रहे हैं कि गर्मी के वजह से वहाँ पे पानी नहीं है, तो वो अभी फिर ऐसा ही है। और पिन्नाथ महादेव का ट्रैक एक जो सोचा था वो 5 किलोमीटर यहाँ से पहले कार से जाना है, उसके बाद 7 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 5-6 घंटे बल्कि पूरा दिन जाएगा ट्रैकिंग में, फिर और थक जाएंगे। तो अंकल ने आइडिया तो दिया है, देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो इस रास्ते पे यहाँ जाएंगे ऊपर, देखते हैं अगर बाकी सब मान गए तो। ये बेल अंकल जी ने अपने हाथों से लगाई हुई है, और अंकल जी होटल भी दिखाने लाए हैं अपना। और ये सब हो जाती है इनको ले जाके ना। नहीं नहीं तो बहुत अच्छा रूम है, उससे अच्छा रूम है आपका। आजकल क्या लोग होम स्टे देखते हैं, ठीक है। दो डबल बेड, 4 लोगों की सीटिंग, सामने आश्रम, बढ़िया है। बहुत अच्छा रूम है। नहीं तो सागर वाले ने कैसे वो सफेद महल बना रखा है बाहर से दिखाने के लिए, और अंदर इतने गंदे कमरे हैं। बड़ा होटल है, बेकार है बिल्कुल, आप तो जानते ही होंगे उसको। अच्छी तरह से पहले कभी मेरे से 10 साल बाद का है। अंकल अकेले बैठे थे, उनसे बातचीत शुरू करी, तो वो सारा होटल दिखा रहे अपना, और अच्छे रूम से एक्चुअली में बहुत सस्ते सस्ते, बहुत पुराने रह रहे हैं यहाँ से। कोई ना अच्छा आदमी, लेकिन उसको बिजनेस मिल रहा है।
ये तो बहुत ही बढ़िया सेटिंग बनेगी यहाँ पे, आश्रम सामने टूरिस्ट स्पॉट, रात भर बैठ रहा हूँ, बहुत बढ़िया है लोकेशन है। तो ये यहाँ बैठने का उन्हीं को अलाव है जिनके रूम है या कोई भी, कोई भी बैठ सकता है। अच्छा, मतलब ये लेकिन बंद कर दिया, बंद करने का है अपना आदमी। अच्छा, अब इसमें ऐसा है पीछे से पहाड़ी लग गई जी, ये खुला है, ये इधर ये सनराइज पॉइंट बना दिया। अच्छा, ऊपर से सनराइज देखो जाके, यहाँ आश्रम लोग रहते हैं, आश्रम आश्रम ऐसे 30 फुट नीचे आ गया, के लिए कौन सा बढ़िया ना। तो अंकल ये इंतजाम तो बड़े बड़े होटलों ने किए हुए हैं, प्लेन सिंपल बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। ये तो बरसात नहीं रही फूल सूख के, ये तो हरा भरा अच्छा लगता है, बारिश हो जाएगी और बारिश हो जाए तो पूरा गार्डन लगता है ना, वो भी छत अपनी है ना, हाँ, ये भी रूम्स हैं सब डीलक्स सुपर डीलक्स हैं, जो 2000 लाख के हैं उनके ही सब लगे हुए हैं ना। अच्छा, ये लगे हुए हैं, वो लगे आज तो पैसेंजर कॉस्टली वाला ले रहा है, सस्ते वाला नहीं ले रहा, उल्टा है ना। सही बात, अब सोचता है जैसा आप इतना सजा होता है अंकल, अब एक्चुअली कोविड से पहले है ना लोगों की फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस की पोजीशन थी ना स्ट्रीम लिमिट थी, अब कोविड से बाद से पता नहीं ऐसा क्या बूम आया है कि लोग खर्च कर रहे हैं, 100 की जगह 250 रुपए खर्च कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, उन्होंने कहा बचा के क्या करना है, पता नहीं उन्होंने अपने लोगों को ना खोते हुए देखा है कोविड में, तो जब से ना लोगों की सोच हो गई आज की लाइफ जियो कल किसने देखा, यही हो रहा है सही क्या, तो इसलिए है ना वो पैसे की परवाह नहीं कर रहे, 100 की जगह 200 रुपए खर्च हो रहा है, सब लोग मारे थे अच्छे 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 लोग, ये होटल का मालिक मारा कि ये मेरे आगे कैसा वाला वही ना, आज की डेट में लोग आज के दिन देख रहे हैं भाई, आज का मेरा लाइफ अच्छा होना चाहिए, कल पता नहीं किसने देगा क्या, और मैंने यही देखा आज का डेट देख के कर रहे हैं ना, जैसे हम कहेंगे हमें तो कहते क्या होटल होगा क्या, लेकिन मत है अब हम लोग बढ़ रहे हैं, जो चल रहा है हमारी बहुत पब्लिसिटी है, रह गया वो तारीफ करते हो जाएगा, जो नहीं रहेगा वो रोते हो जाएंगे, वो कह रहे हैं तो जो भी मिलेगा हम तो सबसे पहले प्रेफरेंस यही करेंगे, तो सबसे अच्छी पब्लिसिटी वही है, हमने सादा बना रखा है, जैसे 3-4 होते हैं, दो लड़के एक दो, तो 24 में फर्स्ट क्लास होते हैं, तो यह है सही बात। हम लोग सीजन ऑफ सीजन कर एक बेट, जैसे ये लोग अभी 3000 है ऑफ सीजन में, हाँ बिल्कुल, 800 हो जाएंगे हमारा, वो रेट चलता है तो एक ही रहता है, बस ये है, और व्यू के लिहाज से मैं सोचता बेस्ट बिल्कुल क्योंकि पीछे वाली की पहाड़ी लग गई, इधर खुला लगता है, ऊपर जाइए और सुबह लगी पूरा व्यू मिल रहा है, और ठंडी सड़क है ये, आप मंदिर का कह रहे थे, ये पहाड़ी जो दिख रही है ना, ये मुड़ गया थोड़ा सा आगे जाएंगे, ऐसे जाओगे फिर आपको मैं बताऊँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मंदिर से जरा आगे जाओगे नीचे रोड में उतर गए, फिर मेन रोड आ जाएगी, जिसपे वो कैम्बियन वगैरह सब है, वो कैम्बियन वाली रोड है। अच्छा, मंदिर से 3-4 उसे चाहिए, ये वही सनराइज पॉइंट, रात के मामले में यहाँ पे लाइट दे रखे और ये मौसम साफ होता ना, हवा चल रही है, मौसम साफ है, अरे दोनों तरफ का व्यू था, उधर पूरे उधर ये भी मिलेगा पूरे पहाड़ का, पूरा इधर पूरा वैली, नदी अलग मिलेगी, नदी कहाँ है यहाँ पर देखिए जो घाटी है ना, कोसी नदी, कोसी नदी, अच्छा हमें यहाँ इनके बीच में नहीं, नीचे जब आई थी तब बराबर हवा मिल रही है, जा दे भाई हवा और ठंडी हो जाएगी, हाँ तो पूरा वेंटिलेशन है ना, बाकी होटलों में एक तरफ का मिलेगा, या तो वैली व्यू ले लो या माउंटेन व्यू ले लो, आज सबसे ये लेके एक है, इसके बाद पहाड़ी आके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छे कमरे, एयरबीएनबी में भी नहीं है, पीछे पहाड़ी आगे, हाँ ऐसा नहीं, ये तो
पूरा एक तरह से 360 डिग्री है। सुबह आइए, सुबह मौसम का बहाल लेना है जी, कुछ बैठ जाएंगे। हाँ वही, उसी वजह से तो ये एसी है। देखो अभी पीछे लेकिन वो दिखने लग गए थोड़ी थोड़ी, वो पीछे लेकिन तो बिल्कुल ही साफ होना पड़ेगा दिखने। ये तो हम और ऊपर आ गए आश्रम से भी। हाँ आश्रम से ऊपर आ गए ना, ये तो बिकले लोग आश्रम में इसलिए बिकले आश्रम। आश्रम से और दो फ्लोर ऊपर हो गया, आश्रम दो फ्लोर ऊपर हो गया आश्रम से, और वो इसलिए तो और साफ दिख रहा है, वो पीछे वाला दिखाना नीचे से हमें बहुत मुश्किल से दिख रहा था। वहाँ से देखो फिर सुबह ऊपर गाड़ी है आपके पास आ जाएगी, अगर मौसम साफ है तो थोड़ा बहुत भी हिमालय दिखे ना तो ऊपर से और अच्छा दिखने को, तो नीचे से भी दिखेगा। लेकिन यहाँ से जो है बहुत बड़ा मैसेज दिखेगा। हाँ तो क्लियर डे पे ये भी मिलता है सामने जो मैं अभी कुछ नहीं देख रहा है। उत्तराखंड की सारी पीक्स हैं, और क्या रह गया इसमें नहीं रहे तो गया गंगोत्री वाली गंगोत्री माना दिख रहा है ना, माना बद्रीनाथ। हाँ अच्छा, हाँ इधर गंगोत्री वाली साइड रह गए बस, अमेजिंग वाली वो व्यूज। और हमें एक्चुअली शायद ये वाली पीक दिख रही है बहुत जल्दी, आगे कैमरे में नहीं आ रही, साफ मौसम होगा तो देखता क्या पता करो यार। ये जो डिटेल है ना वो शहर की उस जगह की, इनसे अच्छी कोई नहीं बता सकता। मैंने कहा ना ये अंकल बैठे थे, इनके अंकल कुछ तो बताए। वाइब है, वाइब सीरियसली, और अंकल की वाइब इतनी अच्छी है, एंट्री करते ही समझ आया। कमरे को देखते हैं ना कैसा लगा, बहुत अच्छा, नीचे वाले कमरे बहुत अच्छा था। वही तो, ऊपर की जरूरत ही नहीं है, मैं वो सोच लूँ नीचे वाला घर ना जाए। अब ईमानदार आदमी होता है ना, दोनों बच्चे फौज में, बिल्कुल बिल्कुल सारी अच्छा बनाया हुआ है, सोच के बनाया हुआ है, सनसेट पॉइंट, ये व्यू पॉइंट भी आए। तो हम जा रहे हैं शिव मंदिर ना, इसी रोड पे आधा किलोमीटर आगे।